आप सभी का स्वागत है कक्षा 11 के गुणोत्तर अनुक्रम तथा श्रेणी अध्याय के अंतर्गत गुणोत्तर श्रेणी की एक्सरसाइज हमारी चल रही है एक्सरसाइज 9.3 इसका प्रश्न नंबर 20 यहाँ पर हम ले रहे हैं। हमें दिखाना है कि अनुक्रम ए स्मॉल ए है सब इसमें AR, AR स्क्वायर सोन AR एन माइनस वन तथा कैपिटल ए इसमें कैपिटल ए और आर लिए गए हैं के संगत पदों के गुणनफल से बना अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी होती है और इसका हमको सार अनुपात भी ज्ञात करना है। तो कैसे इसको आप हल करेंगे देखिए यहां पर पहला अनुक्रम आप देखिए पहला अनुक्रम हमारे पास है ए आर ए आर स्क्वायर सो ऑन ए आर एन माइनस वन और दूसरा अनुक्रम हमें दिया है कैपिटल वर्ड्स में है ए आर स्क्वायर सो ऑन ए आर एन माइनस वन। तो अब हमें करना क्या है संगत पदों के गुणनफल से बना अनुक्रम करें तो संगत पदों के गुणनफल से बना अनुक्रम गुणा करने पर आप देखिए इसको हम परस्पर गुणा करेंगे तो हमको ये ए मिलेगा ये वाला हो जाएगा ए कैपिटल ए स्मॉल आर कैपिटल आर इससे मिलेगा हमको स्मॉल ए स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर इसका लास्ट टर्म बनेगी हमारी स्मॉल ए स्मॉल आर एन माइनस वन कैपिटल आर एन माइनस वन। अब हमें ये दिखाना है कि ये जो अनुक्रम हमको मिला है संगत पदों गुणा करके यह एक गुणोत्तर श्रेणी है। तो हम ये जानते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी का अगर हम रेशियो लें दूसरे पद का पहले पद के साथ तीसरे पद का पहले दूसरे पद के साथ तो वह रेशियो अगर एक जैसा आ जाता है तो वही गुणोत्तर श्रेणी हमारी बन जाती है। तो यहां पर देखिए इस अनुक्रम का द्वितीय पद बट्टे प्रथम पद द्वितीय पद बट्टे प्रथम पद द्वितीय पद हमारे पास है ए ए आर आर और प्रथम पद है स्मॉल ए कैपिटल ए तो ये कैंसिल हो जा रहे हैं तो हमको मिलता है स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। इसी प्रकार तृतीय पद बट्टे द्वितीय पद इसको हम देखें क्या आता है तृतीय पद हमारे पास है स्मॉल ए स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल ए स्मॉल आर कैपिटल आर। तो फिर से देखिए ए कट गया है आर की एक और कट जा रही है इस आर की भी एक और कट रही है पुनः आर आर मिल गया। तो चूंकि यह अनुपात समान है इसलिए प्राप्त अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी है यह हमारे प्रश्न का पहला भाग हो गया है। उसके बाद ये भी कह रखा है गुणोत्तर श्रेणी का सार अनुपात भी ज्ञात कीजिए तो यही जो आपका रेशियो आ रहा है ये हमारा सार अनुपात है। तो अभीष्ट सार अनुपात अभीष्ट जीपी का गुणोत्तर श्रेणी का अभीष्ट सार अनुपात बराबर आर आर इस प्रश्न का सेकंड पोर्शन इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसी एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है ऐसे चार पद ज्ञात कीजिए जो गुणोत्तर श्रेणी में हो जिसका तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक है तथा दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक है। कैसे इसको हम हल करेंगे आप देखिए हम मान लेते हैं सबसे पहले मान लीजिए कि माना गुणोत्तर श्रेणी ए ए आर ए आर स्क्वायर ए आर क्यू है। तो हमको चूंकि प्रथम चार पदों की बात करके तो प्रथम चार पद हमने ले लिए हैं ये प्रथम चार पद होगी इसके। अब हमें क्या कह रखा है तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक है तीसरा पद यानी T3 ये प्रश्नानुसार हो गया प्रश्नानुसार तीसरा पद T3 प्रथम पद से 9 अधिक है यानी A+9। हमें जानते हैं गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद AR3-1 होता है तो AR2 हो जाएगा बराबर A+9 या अगर मैं इसको पक्षांतर करूं तो मुझे मिलेगा AR2-A=9 और A कॉमन लेने पर R2-1=9 ये हमको इक्वेशन मिल गई। इसी प्रकार दूसरी शर्त देखिए प्रश्न की पुनः प्रश्नानुसार
अब हमें दिया है कि दूसरा पद चौथे पद से 18 दिखे, दूसरा पद टी टू बराबर चौथे पद से 18 अधिक, चौथा पद हमारे पास है टी फोर से 18 अधिक यानी प्लस 18, तो टी टू हो गया इसका ए आर, यहाँ लिखा है ए आर, टी फोर चौथा पद आपका ए आर क्यूब हो जाएगा प्लस 18, या इसको मैं यहाँ लाऊं अगर ए आर माइनस ए आर क्यूब बराबर 18, या इसको अगर ए कॉमन लेते हैं, ए आर भी कॉमन है इसमें, तो ए आर कॉमन लेने पर हमको मिलेगा 1 माइनस आर स्क्वायर बराबर 18, अगर मैं ऋण चिन्ह से गुणा करूँ तो मुझे मिलेगा ए आर इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 बराबर माइनस 18, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब इसको डिवाइड करते हैं हम समीकरण 2 भागा समीकरण 1 से, समीकरण 2 को समीकरण से डिवाइड करें तो समीकरण हमारे पास 2 है, ए आर इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 और इसमें बाएं पक्ष में है ए इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 बराबर हो जाएगा माइनस 18 अपॉन 9, या आप देख रहे हैं ये कट रहा है और साथ साथ ए भी कट जा रहा है, तो आर बराबर माइनस 2 यानी सार्वानुपात आ गया जीपी का माइनस 2। तो अब हमें इसके क्या बताना, आर का मान मिल गया है, अगर ए का मान मिल जाए तो हमको जीपी के चार पद मिल जाएंगे, तो क्या करें देखिए आर बराबर माइनस 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं आर का मान, तो हमें मिलेगा ए इंटू माइनस 2 स्क्वायर माइनस 1 बराबर 9, या ए इंटू ये 4 हो गया 4 माइनस 1 3 बराबर 9, ए बराबर 9 अपॉन 3 बराबर 3। तो इस प्रकार से आप देखिए अतः अभीष्ट गुणोत्तर श्रेणी जो हमारी थी ए थी, ए ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब बराबर हो जाएगी, ए का मान आ गया 3, फिर से 3 आर का मान माइनस 2, 3 माइनस 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 2 की घात 3 यानी 3 माइनस 6 ये 4 हो गया 12, 3 का क्यूब 8 हो गया और निगेटिव होगा माइनस 24। अतः अभीष्ट गुणोत्तर श्रेणी हमारी 3 माइनस 6 12 माइनस 24 होगी, ऐसे इसका सोल्यूशन होगा।